सब्सक्राइब कीजिए टेक्टॉय इंडिया चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कुछ नया देखकर सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, टेक्टॉय इंडिया में आपका स्वागत है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो रहा है जिसमें हमने 5 किलोवाट सोलर और ऐड करवाया है। पहले वाले वीडियो में आपने ये वाला पैनल्स देखे हैं जो हमने ऐड किए थे 2 साल पहले। एग्जैक्टली 3 साल होने वाले हैं, तो इसके स्टैट्स, 1 साल माने 3 साल में हमने कितना बिजली बनाई, उसके बाद हमने फैसला लिया एक और सेट लगवाने का। ये अभी 5 किलोवाट का ही सेट है, पहले वाला भी 5 किलोवाट का था। पहले बार हमने मोनो क्रिस्टलाइन पैनल लगवाए थे नॉर्मल, इस बार हमने लगवाए हैं मोनो क्रिस्टलाइन हाफ कट बाईफेशियल पैनल्स। लेटेस्ट चल रहे थे मार्केट में, इसलिए इसी को लगवा लिया। पैनल की स्पेसिफिकेशंस ये हैं, 550 वाट के पैनल्स हैं और टोटल लगे हैं 10 पैनल, तो ये हो गए 5500 वाट। पहले हमारा था 5400 वाट और ये है 5500 वाट। एग्जैक्टली हमारे हो गए 11 किलोवाट के पैनल्स। इस बार भी हमने उषा का ही सिस्टम लगवाया है, तो उषा वाले ये यूरोलेक्स इनका जो ब्रांड है, इसका इन्वर्टर है। ये हमारा एसीडीबी बॉक्स है, ये हमारा डीसीडीबी बॉक्स है और ये हमारा पहले वाला सेटअप है जो आपने देखा है इस पुराने वीडियो में। तो एग्जैक्टली एक ही मूर्ति में हमने दो दीवार पे, एक दीवार पे इधर और एक दीवार पे इधर, 5-5 किलोवाट के सेटअप लगा दिए। पैनल लगे एग्जैक्टली 1 महीना हो गया है, मैं 1 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़े स्टैट्स भी दिखा सकूँ। इसलिए बारिश जस्ट ख़त्म हुई है, उसके बाद भी गंदगी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, इसका वॉश टाइम भी आ गया है। इस वाले जो नया सेटअप लगाया है उसका लाइटनिंग अरेस्टर ये है और पुराने वाले का लाइटनिंग अरेस्टर ये है। हमने इस बार सारा कुछ सेम रखा है, जैसे कि पहले वाले में भी 3 अर्थिंग हुई थी, इस वाले में भी 3 अर्थिंग हुई है। हमने कुछ भी कॉमन नहीं किया है क्योंकि कॉमन करने से सेफ्टी में प्रॉब्लम आती, इसीलिए हमने सब कुछ अलग करवाया है। पूरा समझ लीजिए कि एक सेटअप ही अलग है, ये पहले वाले से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बस ये बिजली देता है हमारे सेम ग्रिड को। पिछले बार वाले सेटअप में इन लोगों ने नीचे जो आप आरसीसी स्लैब देख रहे हैं बनाया हुआ है ना, छोटा सा आरसीसी का बेस की वो हमारा स्ट्रक्चर उड़े ना, तो इस बार इन लोगों ने ये बेस भी खुद बना के दिया है, तो ये अच्छा रहा। और बाकी स्ट्रक्चर तो पिछले बार वाला ही है, बस उसको लगाने का थोड़ा स्टाइल चेंज हुआ है जिससे नीचे की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है कि अब किसी का भी सर नहीं टच करता, तो ये अच्छा किया। बाकी आप देख सकते हैं नीचे से ये पैनल ऐसे दिखते हैं, इसमें से थोड़ी थोड़ी लाइट आती है। और लास्ट टाइम आपने देखा होगा हमारे छत पे, हमने हमारा नॉर्मल छत था तो हमने इस पर डम पेंट करा दिया है, आप देख सकते हैं पूरा वाइट दिख रहा है। तो डम पेंट क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है ज़मीन पे तो ये रिफ्लेक्ट करती है क्योंकि ये वाइट है। तो ये जो बाईफेशियल है इस पर एक्स्ट्रा हमें नीचे से भी हमें जनरेशन मिलती है, कंपनी का कहना 30% मिलती है, लेकिन 10-20% भी मिल जाए तो बेस्ट है।
वाले हमारे जो पैनल लगे हैं ये हमारे टोटल 14 पैनल हैं और 400 वाट के एक पैनल है, तो 5.6 किलोवाट के पैनल हैं हमारे। और अभी जो हमारे लगे हैं ये 550 वाट के 10 पैनल हैं, ये हो गए 5.5 किलोवाट, तो ऑलमोस्ट हमारा 11.1 किलोवाट के पैनल्स हो गए हैं। और जो हमारा इन्वर्टर की कैपेसिटी है ये मैक्सिमम 5 किलोवाट की है, इसका स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, और पहले वाले की भी 5 किलोवाट थी, मतलब ये जो एनर्जी है मैक्सिमम 5 किलोवाट तक ही जनरेट कर सकता है। ये मेरा पहला ऐप है जो हमारे पहले वाले सोलर सिस्टम के साथ का है, क्योंकि अभी हमारे ऐप दोनों अलग अलग है। तो अभी एग्जैक्टली देखिए 3.03 किलोवाट जनरेट कर रहा है इस समय, और आज पूरे दिन में, पूरा दिन नहीं मतलब अभी तक 10:53 AM तक में इसने 7.5 यूनिट जनरेट कर दिया है। इसी तरीके देखते हैं इस पूरे महीने में इसने मैक्सिमम किसी दिन 25 यूनिट जनरेट किया है, किसी दिन 12, किसी दिन 9, किसी दिन 20। इस समय क्या हमारे यहाँ पावर कट थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए जनरेशन लॉस हो रहा है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे एरिया में, तो इसी तरीके हम देखते हैं पिछले महीने का। तो पिछले महीने इसने 550 के आसपास पूरे साल का देखते हैं तो 7162 यूनिट 2023 में इसने जनरेट किया है, 2022 में 7500 के आसपास, तो एग्जैक्टली मान सकते हैं 7200 यूनिट ये जनरेट कर रहा है एक साल में हमारा जो पुराना सिस्टम है। ये हमारा नया वाला ऐप है, अब देखिए उस वाले उसने 7.5 यूनिट जनरेट किया है और इसने किया है 8.5 नए वाले ने, और ये इस समय एग्जैक्टली 3.45 किलोवाट जनरेट कर रहा है, और वो वाला कर रहा था 3.03, तो इसकी एफिशिएंसी तो ज़्यादा है, ये तो कंफर्म है, और जनरेशन भी इसका ज़्यादा ही है देखा जाए तो, कुछ यूनिट ज़्यादा ही कर रहा है ये। जैसे इसके स्टैट्स में हम देखें तो इसने कल जनरेट किया है 22 यूनिट, ठीक है, यही आप पुराना वाला देखिए तो इसने 19.8 ऑलमोस्ट 20 किया है, मतलब उसका 2 यूनिट ज़्यादा ही रहता है, 2 यूनिट 4 यूनिट जैसा। ये इसने देखिए मैक्सिमम एक दिन किया है 28 यूनिट जनरेट, ये है आपका 2 तारीख का, और इसने 2 तारीख को कितना किया है देखते हैं, इसने किया है 24, वही 4 यूनिट देखिए ज़्यादा होगी। तो अभी टोटल हमारा मिला के एवरेज जा रहा है 40 यूनिट, बहुत अच्छा रहा तो 50 यूनिट से भी ज़्यादा, तो अब हमारी बिजली ऑलमोस्ट हमारा बिल अब ज़ीरो आएगा, ये और हमारी बिजली कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, तब हम कुछ और भी प्लान कर सकते हैं।